नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर मोदी का स्वागत किया। पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा, हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे, 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाना है, भाजपा के पिछले 10 साल के कामों का भी प्रचार करना होगा। उधर जेपी नड्डा ने कहा, मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा हुआ है, भाजपा की 17 प्रदेशों में सरकार है, हमने राजस्थान छत्तीसगढ़ जीता है, इस बार बंगाल में भी जीतेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी गारंटी पर राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुमोदित किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मुद्दा उठाया। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के देशभर से 11,500 से ज़्यादा पदाधिकारी जुटेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने नेताओं के 2 दिनों तक मौन धारण करने की नसीहत दी। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को हुई पदाधिकारियों की बैठक में मोदी ने पार्टी नेताओं से मौन धारण करने यानी मीडिया में जाकर बैठ के कुछ भी बोलने से मना किया है। इसके साथ ही मोदी ने मंडल प्रभारियों को हर एक पन्ना प्रमुख से 30 दिन में कम एक बार मिलने को कहा है। मोदी चाहते हैं कि बीजेपी हर वोटर तक व्यक्तिगत तौर पर पहुंचे। उसके लिए सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने को कहा गया है। देश में 10,35,000 बूथ हैं, यानी एक लोकसभा क्षेत्र में करीब 1900 बूथ। अगर हर बूथ पर 370 वोट जोड़े गए तो एक लोकसभा क्षेत्र में 7 लाख वोट जोड़ने होंगे और पूरे देश में 38 करोड़ वोटर जोड़ने होंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।